नमस्कार, मैं भगवान सिंह मीना, साचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र 2021-22 में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम में निर्धारित भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे। भारतीय दर्शन का अध्ययन करने से पूर्व दर्शन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी है। बुद्धि की विशेषता के कारण मनुष्य पशु पक्षियों से भिन्न उच्च स्थान में अवस्थित है। जब वह अपने आंतरिक तथा बाह्य जगत की ओर देखता है तो अनेक जिज्ञासात्मक प्रश्न उसके मन में उठते हैं। ये विविध प्रकार के विशेष, सामान्य तथा गूढ़ प्रश्न ही मनुष्य को दर्शन की ओर ले जाते हैं। दर्शन क्या है? सामान्यतः दर्शन का अर्थ देखना है। दृश्य धातु का प्रेक्षण अर्थ है, अर्थात प्रकृष्ट रूप में देखना। अतः ज्ञान दृष्टि से देखना ही दर्शन शब्द का मूलार्थ है। मनुष्य बुद्धि की सहायता से जीव एवं जगत के विषय में युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से भी कहा गया है कि दर्शन युक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न है। दर्शन एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जो आत्मदर्शन या तत्व दर्शन को संभव बनाती है। इस प्रकार दर्शन संपूर्ण जगत के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण है जो उसमें सम्मिलित सभी विषयों की न केवल व्याख्या करता है अपितु मानव को समुचित मार्ग पर चलने के लिए नवनिर्माण एवं पुनः उत्थान की ओर प्रेरित करता है। अतः जीव जगत की व्याख्या और तदनुरूप मानव समाज की संरचना ही दर्शन है। दर्शन एवं धर्म का भेद। यहाँ धर्म एवं दर्शन का भेद करना आवश्यक है क्योंकि लोग प्राय दर्शन को धर्म मान बैठते हैं अथवा धर्म को ही दर्शन की संज्ञा दे देते हैं, जो भ्रांतिपूर्ण है। धर्म और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है किंतु उनका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है, जिसे समझना हम सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा। धर्म वह सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है जो किसी समाज समादृत आदर्शपूर्ण विषय
के प्रति आत्मसमर्पण एवं अंतःबद्धता के हेतु व्यक्ति को संपूर्ण जगत के ओर अभिमुख करती है। यह परिभाषा धर्म के मुख्य तीन लक्षणों की ओर संकेत करती है। पहला अभिवृत्ति, दूसरा आदर्शपूर्ण विषय तथा तीसरा सर्वांग पूर्णता। अभिवृत्ति मानव प्राणी के अंदर एक रूप से सोचने विचारने यौन सक्रिय होने का स्थायी भाव है। आदर्शपूर्ण विषय आराध्य देवता मूल्य तथा कोई सामूहिक पवित्र कहलाने वाला पात्र ग्रंथ आदि है। ईश्वर राम रहीम ईसा मूसा निर्वाण या मोक्ष आदि आदर्शपूर्ण विषय के उदाहरण है। इसी आदर्शपूर्ण विषय के प्रति लोगों की अटूट आस्था होती है और इसी आस्था के हेतु मनुष्य में सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति पैदा होती है। सर्वांग पूर्णता में मनुष्य की आंतरिक भावना क्रियावृत्ति तथा संज्ञा तीनों प्रक्रियाएं एक साथ जागरूक हो सकती है। सर्वांग पूर्णता में समस्त विश्व के प्रति एक दृष्टिकोण जागृत होता है। धर्म में जो अभिवृत्ति आदर्श विषय तथा सर्वांग पूर्णता है उन्हें सत्य असत्य नहीं कहा जा सकता, अर्थात उन्हें अटूट श्रद्धा के साथ ज्यों का त्यों माना जाना चाहिए। कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म हो या सिख धर्म, तर्क वितर्क की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार धर्म में अपनी वस्तु के प्रति बहुत अधिक आस्था, आत्मबद्धता और आत्मसमर्पण है। दर्शन धर्म से भिन्न एक खोजपूर्ण प्रयास है जिसमें आलोचना, समीक्षा, विश्लेषण तथा समन्वय आदि सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। दर्शन में भी एक विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है जिसकी समीक्षा, आलोचना तथा प्रतिआलोचना की जा सकती है। पर धर्म आधारित जीव जगत विषयक दृष्टिकोण आलोचना अथवा समीक्षा से परे है। उसके प्रति अटूट आस्था चाहिए। धर्म में बौद्धिक विवेचन निरर्थक है जबकि दर्शन का वह प्राण है। धर्म में श्रद्धालु की आवश्यकता है और दर्शन में जिज्ञासु की, जो प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग कर सत्य असत्य का निर्णय करे। धर्म और धर्म के कुछ विषय सामान्य हो सकते हैं जैसे ईश्वर, आत्मा, जगत, किंतु उनका स्थान
दोनों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए धर्म में ईश्वर का स्थान सर्वोपरि है और ईश्वर की किसी भी प्रकार की आलोचना किए बिना उसमें श्रद्धा आस्था रखना परम आवश्यक है, जबकि दर्शन का वह अन्य विषयों की भांति एक अध्ययन बिंदु है। दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व, स्वरूप तथा स्थान का बौद्धिक विवेचन मिलेगा। दर्शन में ईश्वर आत्मा आदि है या नहीं इसका निर्णय होता है, जबकि धर्म में ऐसा विवेचन निंदनीय माना जाएगा। धर्म पर आधारित किसी समुदाय का निर्माण होता है, किंतु दर्शन समुदाय के समूचे क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है। धर्म में कल्याणकारी भावना का समावेश होता है, दर्शन में यह आवश्यक नहीं है। दर्शन तो एक बौद्धिक दृष्टिकोण है जो समस्त धार्मिक विषयों का या आदर्शों की विवेचना करता है। इस प्रकार धर्म एवं दर्शन के विषय सामान्य होते हुए भी अपना एक दूसरे से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। संक्षेप में, दर्शन के अंतर्गत प्रमाण एवं तर्कशास्त्र, लौकिक विज्ञान तथा नीतिशास्त्र, अति इंद्रिय ज्ञान और तत्व विद्या सबकी तार्किक समीक्षा आ जाती है। इस प्रकार दर्शन का अपना एक व्यापक क्षेत्र है। दार्शनिक पद्धतियां। दर्शन इतना व्यापक एवं गूढ़ विषय है जिसकी अध्ययन पद्धतियां निश्चित नहीं है। प्रत्येक दार्शनिक अपने अपने ढंग से सत्य की खोज करता है, फिर भी भारतीय दर्शनों में प्रयुक्त होने वाली कुछ एक पद्धतियों का यहां विवरण प्रस्तुत है। प्रथम श्रमणी विधि है जो भारतीय दर्शनों में व्यापक रूप से काम में लाई जाती है। श्रमणी विधि त्रयंगीय पद्धति है जो श्रवण, मनन तथा निधि ध्यासन पर आधारित है, अर्थात इन तीनों दार्शनिक क्रियाओं का संयुक्त नाम ही श्रमणी विधि है। श्रवण द्वारा मनुष्य अपने समय तक के अनुभवों से लाभ उठाता है। जिज्ञासु श्रुति अथवा गुरु द्वारा मानव जाति के प्रामाणिक अनुभवों को प्राप्त करता है। जिज्ञासु श्रद्धा से प्रारंभ होकर तर्क वितर्क द्वारा आलोचना एवं समीक्षा करता हुआ पुरानी त्रुटियों के प्रति विद्रोह भी करता है। इसी अवस्था को मनन कहा गया है। इसमें विभिन्न सिद्धांतों का निरीक्षण तथा परीक्षण करके भूलों एवं दोषों को सुधारा जाता है। तत्पश्चात जिज्ञासु निधिध्यासन द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध की स्थिति में पहुंचकर सत को स्वीकार करता है और इस प्रकार
अनेक दार्शनिक तत्वों का अथवा सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करता है। द्वितीय, आगमन निगमन पद्धतियां भी दर्शन के अध्ययन में काम आती है। कोई भी दार्शनिक तथ्य एवं चिंतन दोनों को ध्यान में रखता है। वह पहले अनुभवों द्वारा प्राप्त तथ्यों का अवलोकन तथा संग्रह करता है और फिर उन तथ्यों में जो सिद्धांत निहित है उन्हें उद्घाटित करने का प्रयास करता है। इसी को आगमन विधि कहते हैं। कभी कभी दार्शनिक अपने अनुमान से सार्वभौमिक सत्यों को मानकर चलता है, जिसे परिकल्पना कहा जाता है। यह निगमन विधि इस प्रकार अन्य विज्ञानों की भांति दार्शनिक क्षेत्र में आगमन तथा निगमन दोनों पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है। तृतीय विधि जो दर्शन के अध्ययन में व्यापक रूप से काम आती है, आलोचनात्मक विश्लेषण विधि। इसमें पूर्व स्थापित सिद्धांतों का विश्लेषण एवं आलोचना होती है। ये विधि समीक्षा पर अत्यधिक बल देती है, ताकि सिद्धांतों को सत्य की कसौटी पर खरा उतारा जा सके। चौथी दार्शनिक पद्धति अन्वय व्यतिरेक विधि है। दर्शन में मात्र आलोचना एवं समीक्षा या विश्लेषण से सत्य की खोज करना संभव नहीं है। सत्य की अन्वय तथा व्यतिरेक द्वारा भी पुष्टि करना आवश्यक है। इस पद्धति का प्रयोग न्याय दर्शन में किया गया है, जिसमें साधन और साध्य का संबंध अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों ही के द्वारा स्थापित होता है। ये विधि व्याप्ति का ज्ञान अन्वय तथा व्यतिरेक की सम्मिलित प्रणाली द्वारा करवाती है। इसे नव्य न्याय ने अनुमान के भेदों के संदर्भ में स्थापित किया था। भारतीय दर्शनों में प्रयुक्त होने वाली पांचवी विधि समन्वयवादी पद्धति है, जो प्लेटो तथा मार्क्स की द्वंद्वात्मक विधियों से भिन्न है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी पक्ष का मात्र आलोचना तथा समीक्षा या विश्लेषण से सत्य अन्वेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भी एकांगीपन की त्रुटि आ जाया करती है। चिंतक किसी एकांगी सापेक्ष बात को सत्य मान लेता है। ऐसी स्थिति में फिर सक्रिय समन्वयवादी पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि में पारस्परिक विरोध को दूर करते हुए विचार की गति एवं क्रिया को जागरूक रखकर
समन्वय स्थापित करने का प्रयास जारी रहता है ताकि सत्य का संपूर्ण चित्र स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि दर्शन का अध्ययन मात्र किसी एक पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें कई पद्धतियों का प्रयोग होता है और भिन्न भिन्न अवस्थाओं और दशाओं में दार्शनिक विचार प्रक्रिया में विशेष पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। दर्शन पूर्ण विचार करने की कला है अथवा जीव जगत के विषय में विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसलिए दार्शनिक अध्ययन के प्रकार की छोटी मोटी विधियों का प्रयोग स्वाभाविक है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम भारतीय दर्शन के उद्गम विकास पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार।